हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सब भी मज़े में हैं। और ये व्लॉग मैंने शुरू किया था फ्राइडे इवनिंग से, जो सैटरडे को जाके ख़त्म हुआ है। तो फ्राइडे में बड़ी बारिश हो रही थी, आगे बताती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत प्याज काट ली इस तरह राउंडल्स, एंड बड़ी बड़ी जो मोटी मिर्ची होती है ना पकौड़े वाली, बड़े वाली बेसिकली, उसको भी ऐसा लेंथ वाइज काट लिया है। मैं पकौड़े बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ और मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी ना, बट somehow आई मैनेज। बताती हूँ आपको सारा कुछ किस्सा। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर है ना जो बेसन है वो छान लिया है। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा कम धनिया का पाउडर, थोड़ा सा हींग का पाउडर। आप यहाँ पे कूटा हुआ ना लहसुन भी डाल सकते हो, ज़रा सा गरम मसाला और स्वाद के हिसाब से नमक। आप है ना बेटर कलर के लिए इसमें चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। इसके बाद मैंने पहले जो ऑयल है वो चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और अभी इसका जो बैटर है वो बनाएंगे। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली, और इसके बाद मैंने कॉर्न धो करके रखे हुए थे वो सारे मैंने यहाँ ऐड करके पानी डाल दिया, और पानी डालते ही मेरे दिमाग की घंटी बजी। ऐसा होता है क्या आपके साथ कि मतलब आप दिमाग में प्लान करते रहो कि मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, और उसके बाद पता नहीं कैसे एकदम से जब करने का वक्त आता है तो एकदम से दिमाग से निकल जाता है, एकदम से भूल जाते हैं, और फिर जब काम बिगड़ जाता है तो एकदम सडन रियलाइजेशन होती है कि आहा हा ऐसे नहीं करना था, मैं तो कुछ और ही प्लान कर रही थी। बस वही मेरे साथ हुआ। मैंने सारा का सारा बेसन वगैरह जो है मसाले वगैरह करके एक साथ इकट्ठा कर लिया था। मेरा प्लान था कि आधा आधा कर लूँगी इसको, थोड़ा सा मैं कॉर्न के पकौड़े बना लूँगी, और बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें काट के रखी हुई हैं उसका अलग से, जो बैटर बनाते हैं ना बैटर में कोट करके पकौड़े बनते हैं उस तरह से बनाऊंगी। बट एकदम से मतलब मैं अच्छी तरह सोच रही थी, ये उसी हिसाब से मैंने ज़्यादा बेसन भी लिया था, बट एकदम से कॉर्न डाल दिया और पानी डाल दिया और बस सारा गेम ही बिगड़ गया। उसके बाद मैंने सोचा यार क्या करें, चलो कर ही लेते हैं। फिर मैंने उसी को मतलब कॉर्न का बैटर बना लिया है, और इसी में मिर्ची विर्ची डाल के थोड़े से कॉर्न के साथ ही इसके पकौड़े बना लिए हैं, एंड टू माई सरप्राइज दे केम आउट रियली अमेजिंग, वेरी टेस्टी। कॉर्न का ना कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छा निकलता है, उसमें से मिर्ची भी एक चीज़ है। चीज़ एंड कॉर्न बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, चिलीज़ एंड कॉर्न बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो मिर्ची के पकौड़े तो मैंने बना लिए। वैसे भी मिर्ची किसी को भी मेरे घर में कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने इसलिए दो तीन मिर्ची ही थी बस, ये उसको इस तरह लेंथ वाइज काट लिया। इसमें कहीं कहीं कॉर्न है, और जब मैं लेकर गई ना मतलब इतने प्यार से मैंने बनाया, और जब मैं लेके गई तो तीनों के मुँह बन गए कि ये क्या बना दिया, हम लोग तो मिर्ची नहीं खाते। फिर शानू खुशी वाला है कि मम्मा इसमें तो कहीं कहीं कॉर्न भी है। मैंने कहा बच्चा खा के देखो, अच्छा बना है, अच्छा बना है। अभी मैं उनको समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ कि मिस्टेक हो गई, ऐसा सोच नहीं रही थी मैं, बट फिर उन्होंने खाया तो उनको अच्छा लगा। मिर्ची वैसे मेरे बच्चे लोग नहीं खाते मिर्ची के पकौड़े, शर्मा जी भी कम पसंद करते हैं, बट थोड़ा मेरा दिल रखने के लिए ही शायद खा लिया उन्होंने, और उन्हें अच्छा भी लगा। इसके बाद प्याज के ना मुझे राउंडल वाले पकौड़े बनाने थे, बट मैं तो मिस्टेक कर चुकी थी, तो मैंने अभी जो प्याज के राउंडल्स हैं उसके साथ ही थोड़ा कॉर्न भी मिला मिला के पकौड़े बना दिए हैं, एंड दिस वाज अ हिट। ये सबको इतना अच्छा लगा, मतलब शानू प्याज के पकौड़े भी नहीं खाती है, बट ये वाला उसे भी अच्छा लगा था। तो मिस्टेक तो हो गई, बट वो ना मतलब एकदम अच्छी सी हो गई, जैसे ब्राउनी है ना, आपको पता है ओरिजिनली ब्राउन एक बिगड़ा हुआ केक था, लेकिन अभी ब्राउनी इतनी पसंद की जाती है, मुझे लगता है केक से भी ज़्यादा लोग जो चॉकलेट लवर्स हैं दे लव ब्राउनी मोर। तो ये भी मेरे बिगड़े हुए पकौड़े स्वाद में बहुत अच्छे निकल गए, एंड स्टार ऑफ द इवनिंग वॉज दिस वाला पकौड़ा। ये है आलू के पकौड़े, तो थोड़े थोड़े कॉर्न लगा लगा के मैंने आलू के भी पकौड़े बना दिए हैं, और आलू मैंने ज़रा थिक काटे थे तो इसका ना थोड़ा थोड़ा सा हैश ब्राउन वाला फील आ रहा था। और कॉर्न के साथ आलू भी मज़ेदार लगता है, ये मुझे इसी दिन पता चला। मैंने जब ये आलू के पकौड़े ले जाकर सबको दिए, सब लोग इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही सरप्राइजिंगली ये सबको बहुत अच्छा लगा, एंड दे वर लाइक कि बस अभी आलू के ही बनाओ, मिर्ची विर्ची के हमको नहीं चाहिए। मिर्ची के और थे भी नहीं, दो बार बस आलू के निकले थे। और ये वाले तो आप ट्राई कर लेना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे से तो मिस्टेक हो गई थी, बट आप ऐसे ही ना ये वाले आलू वाले तो स्पेशली बना लेना, बड़े अच्छे लगेंगे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, फिर कुछ खाने पीने का और मन नहीं था, अच्छा खासा पकौड़ा फीस्ट हो चुकी थी हमारी, और प्राइम टीवी पर आ चुकी थी जुग जुग जियो, शर्मा जी का बिल्कुल भी मन
नहीं था ये मूवी देखने का, बट शानवी खुशी और मैं देखना चाहते थे। आधा घंटा देखने के बाद शानू खुशी भी छोड़कर चले गए थे, बट मैंने देख ली। आपने देखी है क्या झुक झुक जियो? देख ली तो बताना मुझे कैसी लगी आपको। एंड दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट यानी कि सैटरडे था। बस मैं शावर लेकर आई हूँ, मेरे टॉवल्स वगैरह सुखा रही हूँ। ये जो कपड़े थे ये कल सुखाए थे मैंने, सूख चुके हैं वैसे तो, बट अभी स्टैंड खाली है तो मैंने सोचा पड़े रहने दो, जब दूसरे और कपड़े निकल कर आएंगे वॉशिंग मशीन में से तब मैं इन्हें हटा दूँगी। और है ना, बस अभी शावर लेकर आई हूँ मैं, बाल धोए हैं। बाल एक्चुअली मुझे धोने थे कल, लेकिन फिर कल मैंने है ना तेल लगा लिया था। मतलब मन हुआ मेरा कि मैं शावर लेने से पहले तेल लगा लूँ, क्योंकि मानसून है ना तो थोड़ा मन करता है थोड़ा हेयर केयर जैसा करने का, नहीं तो फिर बाल इस सीज़न में बहुत झड़ते हैं। तो तेल लगा लिया, फिर मेरा मन हुआ कि यार इसे एक घंटा रहने दो, फिर मैं किसी काम में लग गई, फिर लेट हो गया। उसके बाद फिर कल तो शाम से इतनी बारिश हो रही थी तो फिर हस्बैंड घर आने वाले थे, तो आई प्लान कि चलो मैं पकौड़े कर लेती हूँ उनकी चाय के साथ। और शाम से जो बारिश शुरू हुई ना कल, तो मतलब पूरी रात हमारे यहाँ 18th को बहुत बारिश हुई थी। दिन में भी बारिश, रात में भी बारिश, उसके बाद थोड़ा सा सनी हो गया था, कम कम बारिश होती थी, धूप निकलने लगी थी। लेकिन कल वापस से पूरी रात तो मेरे को पता नहीं, मैं तो सो गई थी, लेकिन जब तक भी हम लोग जागे हुए थे बारिश हो रही थी, तो पकौड़ों का मज़ा ही आ गया बारिश की वजह से। और उसके बाद फिर आज है सैटरडे, और आज सिर्फ खुशी गई थी स्कूल, क्योंकि उसका था लास्ट एग्ज़ाम। शानवी का एग्ज़ाम भी नहीं था, उसका लास्ट एग्ज़ाम कल था, और उसकी छुट्टी भी थी बिकॉज़ उसके टीचर्स का कुछ ट्रेनिंग चल रहा है, तो इस करके उसकी क्लास की छुट्टी थी। तो जब खाली सिर्फ खुशी जाती है ना, तो थोड़ा सा उसके पापा को भी और मुझे भी ना थोड़ी टेंशन लगी रहती है। मतलब जो छोटा बच्चा होता है ना घर में, वो बड़ा भी हो जाए तो भी माँ बाप को ऐसा लगता है कि हाँ वो छोटी है। शानू छोटी भी है पर वो बड़ी है, क्योंकि आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो पेरेंट्स को ये रहता है कि बड़ा बच्चा है थोड़ा। शानू वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, एंड उसका यू नो स्पीच लाइक उसका ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अपनी बात को अच्छे से कह सकती है, अच्छे से रख सकती है, अच्छे से डिबेट कर सकती है। कोई उसे फालतू कुछ बोले तो वो बिल्कुल अच्छी तरह, मतलब एक लाइक 20 समथिंग बंदे की तरह वो अपनी बात रखना जानती है। एंड वी ऑल आर लाइक फ़ैन ऑफ दिस क्वालिटी। जबकि खुशी स्टिल बच्चे जैसी है, उसे अगर एक लिमिट के ऊपर डांटा जाए तो वो बोलना बंद कर देती है। वो सही भी है तो भी वो अपनी बात नहीं रख पाती, तो थोड़ा सा इसलिए शर्मा जी को मुझे थोड़ा, वो अकेले कहीं जाती है तो थोड़ा ऐसा रहता है। लेकिन ठीक है, अभी वो बड़ी हो रही है, धीरे धीरे उसको देने पड़ेंगे अपॉर्चुनिटीज़, देन ओनली शील ग्रो, देन ओनली शील लर्न हाउ टू लिव इन दिस फास्ट प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो खुशी तो आ गई थी जल्दी से, क्योंकि उन लोगों के एग्ज़ाम होते हैं तो 11 बजे तक ही स्कूल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर शर्मा जी चले गए हैं बाहर। एक्चुअली उनकी स्कूटी ली थी ना हम लोगों ने, आपने वो ब्लॉग देखा हो तो, उनकी स्कूटी का नंबर आ गया है, तो उनको नेम प्लेट लगवाने जाना था, तो आज का ही था उनका अपॉइंटमेंट। तो वो तो गए मैं बाहर, और मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ, और मैं अभी बनाऊँगी लंच। थोड़ा सा लेट लंच बन रहा है क्योंकि छुट्टी का दिन है, और हस्बैंड की जब छुट्टी होती है तो मेरा ज़्यादा यू नो जो रूटीन है वो ख़राब हो जाता है। तो मैं है ना ये वाली दाल बनाने वाली हूँ, ये जो होती है ना मसूर की, ऐसी काली वाली जो होती है, तो हम लोग है ना इसे मलका मसूर बोलते हैं। मेरे घर में इसको हमेशा से मलका मसूर ही बोला जाता था, और ये मेरी लाइक मोस्ट फेवरेट दालों में से एक है। मम्मी बनाती थी प्याज डाल डाल के, लंबी लंबी प्याज, और थोड़ी थोड़ी ऐसे सोंधी सोंधी मीठी मीठी लगती थी, कि इसके साथ मुझे राइस नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, दाल ऐसे ही ऐसे, मुझे ये बहुत पसंद थी। मेरी मम्मी के हाथ के मुझे एक तो ये वाली दाल, और एक काली पीली दाल बोलते थे हम लोग, यानी कि चना की दाल और उड़द की दाल, मेरी मम्मी इतना अमेजिंग बनाती है वो दाल। मैं मतलब ये वाली भी वो वाली भी मैंने किसी के भी हाथ की भी खाई हो, खुद भी बनाया हो, बट वो मज़ा नहीं आता। ये वाला दाल मैं बनाऊंगी। बहुत लोग बोलते हैं कि दी आप इसे मलका क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हम लोग इसे हमेशा से मलका बोलते हैं। मलका शायद जो मसूर होल रहती है बट बिना छिलके वाली, उसको बोलते हैं, और इसको शायद काली मसूर बोलते हैं। आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम लोग तो इसे ही मलका बोल देते हैं, और वो जो होल मसूर रहती है छिलके वाली वो भी मसूर ही है, और जो स्प्लिट होती है वो मसूर की दाल है।
दैट वेज। तो ये बनाऊंगी और मेरे पास है भावनगरी मिर्ची, जिसके मैंने कल थोड़े पकौड़े भी किए थे। वो पकौड़े ना होल मिर्ची के बनाए जाते हैं और उसके अंदर स्टफिंग करके बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है मिर्ची के पकौड़े, तो मैंने बस ऐसे ही थोड़ा सा काट के डाल दिया। बट मैंने वो मिर्ची लाई थी एक पर्पज़ के लिए, मैं उसकी भरवा करूँगी। स्टफ मिर्चियाँ क्या लगती है यार वो, और इतनी बढ़िया बनती है ना, और मैं है ना एक शॉर्टकट करती हूँ उसमें, उसकी वजह से मुझे वो और भी अच्छी लगती है। तो टाइम बच जाता है शॉर्टकट की वजह से और टेस्ट बहुत यानी मैनीफोल्ड इन्हांस हो जाता है, तो आप ट्राई ज़रूर करना। तो हस्बैंड आते ही होंगे थोड़ी देर में, मैं सोचूँ एक दाल करनी है, एक मिर्ची भूननी है, बस फटाफट से लंच कर लेते हैं, एक सिंपल सा थाली जैसा कुछ कर लेंगे। और मैं ना दाल के लिए प्याज और टमाटर वगैरह तैयार कर रही हूँ। इसमें मैं ना अदरक नहीं डालूंगी और ना ही हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ याद करके कि मम्मी कैसा बनाती हैं, बस उसी तरह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मम्मी इसमें इस तरह लंबी लंबी प्याज डालती हैं और दिखती सी प्याज होती है इस वाली दाल में और बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ दो लगभग मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए और इस तरह लंबे लंबे काट लिए हैं। अभी टमाटर भी मैं इसी तरह लेंथ वाइज काट लूँगी। और मैंने लिया है लहसुन, तो लहसुन को थोड़ा सा बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। जिंजर मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ले सकते हो। बट इस तरह कटा हुआ अदरक है ना, मतलब मैंने तो लहसुन डाला है, इस तरह कटा हुआ लहसुन दाल में स्पेशली बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और चावल भी मैंने सोख करके रख दिए हैं, फटाफट से दाल बना लेते हैं। कुकर के अंदर मैं दाल बनाऊंगी। और ऑयल गर्म हो जाने के बाद ऐड किया है मैंने इसके अंदर ज़ीरा, और इसके बाद ऐड करूंगी मैं इसमें काटा हुआ लहसुन। और वापस से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, सुबह से बारिश नहीं थी, अभी मैं जब भी वॉइस ओवर दे रही हूँ दोपहर में तो बहुत तेज़ बारिश हमारे यहाँ वापस से शुरू हो गई है। मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर प्याज, बस प्याज हल्का लाइक 30 सेकेंड जैसे भुने हैं, और इसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर भी। प्याज बिल्कुल ज़्यादा कुछ भी भूनना नहीं है, टमाटर भी कुछ ज़्यादा भूनने नहीं है, थोड़ा सा बस ऐसे ही इनको स्टर करके मसाले कर लेंगे, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर और थोड़े से मेथी दाना, देन थोड़ा स्वाद के हिसाब से नमक। अभी सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी मैं और इसे भूनेंगे भूनेंगे तब तक, मतलब जब तक हमारे जो पाउडर मसाले हैं ना वो पके पके फील होने लगे और इस मसाले में से थोड़ा सा तेल जैसा दिखने लगे। मुझे इसे मैश करके चटनी नहीं बनाना है, दिखती सी प्याज टमाटर इस दाल में अच्छी लगती है। अभी जो दाल है मेरी अच्छी तरह से सोख की हुई धुली हुई दाल है, ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया है मसाले के अंदर। अच्छी तरह फोल्ड कर दीजिए मसाले में दाल को और बस इसके अंदर ऐड करेंगे पानी और इसे 3 सीटी में लगा लूंगी। जो मिर्चियाँ हैं हमारी, मिर्ची भी मैंने अच्छी तरह से धो ली थी और इसके बाद इनको अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, इनके ऊपर पानी ना रहे। और एक बड़ा सा लेमन भी इसमें लगेगा, थोड़ी सी खट्टी भी, थोड़ी सी मीठी भी, थोड़ी सी तीखी भी ये मिर्चें बनती हैं। अच्छी तरह सूखा ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि तेल में डाल के हम इन्हें फ्राई करेंगे ना, थोड़ा भी पानी रहेगा तो छींटे उड़ती हैं। इसके बाद मिर्चों को स्लिट लगा दीजिए, एक तरफ से हम इन्हें भरवा करेंगे और अंदर से ये जो वाइट वाइट इसकी वेन्स रहती हैं एंड सीड्स रहते हैं ना, ये थोड़ा सा मैं रिमूव कर रही हूँ। वैसे तो आपको अगर चलेगा तो ना भी रिमूव करें, हर कोई रिमूव करता भी नहीं है, और आपका दिल चाहे तो रिमूव कर लीजिए। मैं बस थोड़ा थोड़ा सा हटा ले रही हूँ। सारी मिर्चियाँ जो हैं रेडी हो गई हैं, इसके अंदर डालने के लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो ग्राइंडिंग जार के अंदर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा धनिया पाउडर, इसके बाद थोड़े से सेव। ये सेव जो मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं, आलू वाले, आलू भुजिया जो होती है वो नहीं, नॉर्मल जो बेसन भुजिया, बेसन सेव रहता है वो है ये। इसकी जगह आप भुना
हुआ बेसन ले सकते हो, पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एकदम ही शॉर्टकट है, जल्दी से बन जाते हैं। मैंने तीखी सेब लिया है इसलिए मैं इसमें लाल मिर्ची का पाउडर नहीं ऐड कर रही हूँ। आप नॉर्मल सेब ले रहे हो ना तो थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कीजिएगा, ये मिर्ची बिल्कुल फीकी रहती है इसलिए थोड़ा सा मिर्ची का कोशेंट आपको इसमें डालना होगा। थोड़ी सी हींग डाली है, थोड़ा सा गर्म मसाला एक चम्मच जैसा, चीनी, स्वाद के हिसाब से नमक, सेब अगर आप ले रहे हैं तो सेब में नमक होगा तो नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा। अब ये सारी चीज़ें मिला करके पीस लीजिए और अभी ये बेसिक जो है हमारा मसाला वो रेडी हो गया है। इसमें ऐड करेंगे एक नींबू का रस, तो हमने एक चम्मच जैसा डाला था चीनी, तो एक बड़े से नींबू का रस लग जाएगा इसके अंदर। और नींबू की जगह आप आमचूर भी डाल सकते हो, थोड़ा विनेगर भी डाल सकते हो, बट प्रेफरेबली नींबू डालिएगा। इससे ना एक अच्छा सा खटास तो आएगी ही आएगी, एक फ्रेशनेस भी आ जाती है। अभी जो लेमन जूस जो हमने ऐड किया है उसमें ये जो सेब का ऑयल है ना वो मिलेगा तो अच्छी बाइंडिंग आएगी। अगर आप सेब नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, आप बेसन भून करके डाल रहे हैं, तो फिर एक चम्मच तेल भी यहाँ पर ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह सारी चीज़ें मिला लीजिए, एक बढ़िया सी स्टफिंग हो चुकी है रेडी। थोड़ा सा चख लीजिएगा यहाँ पर नमक और मिर्ची आपको कैसी लगेगी। और इस स्टफिंग में ना बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिलाइएगा, मेरे पास है नहीं इसलिए मैं नहीं ऐड कर पाई। आपके पास हो तो बिल्कुल बारीक बारीक काट के ना फ्रेश हरा धनिया मिलाइएगा, सुंदर भी बहुत लगने लगती है स्टफिंग और टेस्ट तो इन्हांस हो ही जाता है। इसके बाद ये जो स्टफिंग है आपकी मिर्चियों के अंदर भर लीजिए। और बस बराबर पड़ा मुझे, सारी मिर्चियों में पूरी स्टफिंग लग गई, ना मिर्ची बची ना स्टफिंग ही बची। तो अभी बस फटाफट से इनको भून लेंगे। ये मिर्ची है ना, आप एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर करके देखना, ये बड़ी अच्छी लगती है, खट्टी मीठी तीखी सी, और दाल चावल जैसी मील के साथ तो भुनी हुई मिर्चें अलग ही मज़ा देती हैं। तो मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया और इसके बाद ये जो मिर्चियां हैं ये लाइन करेंगे। जब आप मिर्ची लाइन करेंगे ध्यान रखिएगा जो स्लिट साइड है ना वो थोड़ा ऊपर की साइड हो, वो एकदम से पैन को टच ना करे। ये थोड़ी देर कुक हो जाएंगे ना तो अंदर की जो बाइंडिंग है वो बाइंड हो जाएगी अच्छी तरह से, फिर वो खुल खुल कर बाहर नहीं आएगी। तो हम बाद में इसे पलट पलट के पकाएंगे, जहाँ स्लिट है उस साइड से भी पकाएंगे, बट शुरुआत में एकदम स्लिट की तरफ से तवे पे ना रखें। यहाँ पर जो मेरी दाल है उसको 3 सीटियाँ लग गई थी, प्रेशर कुकर का निकल चुका था, तब मैंने ढक्कन खोला है और ज़रा सा गरम मसाला ऐड करा है। यहाँ पर थोड़ा नमक वगैरह आप चेक करके नमक भी एडजस्ट कर सकते हो। तो दाल तो हो गई है मेरी रेडी और बस मैं चावल और छोक लूँगी। मिर्चियाँ देख लेते हैं, मिर्ची एक तरफ से थोड़ी सिक चुकी हैं तो इनको पलट देंगे, ये हर तरफ से ही सेकनी है हमें। और जैसा मैं बता रही थी जिधर स्लिट है ना उधर से भी थोड़ा सा सेकेंगे, बस शुरुआत में स्लिट की तरफ से ना रखें। दूसरा ये कि इसकी जो लिड लगाते हैं ना, लिड पूरा ही कवर मत कर दीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा स्टीम बनने लगेगी और फिर छीटा छाटी बहुत होगी। थोड़ा सा साइड से स्टीम निकलती रहे इस तरह से लिड लगाइएगा। बस इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाते रहिए, पलट पलट के हर तरफ से भून लीजिए और ये मिर्चियाँ लाइक ए नो टाइम रेडी हो जाती हैं। और इसे आप 3 दिन तक आराम से इंजॉय कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो चलेंगी भी नहीं, बट बनाकर देखिएगा अच्छी लगेगी आपको। लगा रही हूँ मैं आज की थाली दाल चावल, थोड़ा दाल मैंने साइड में और रख दिया है क्योंकि ये कभी कभी ऐसे स्पून से खाने में भी बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ा सैलेड, मेरी भुनी हुई मिर्चें हैं, यह है मम्मी का बनाया हुआ आम का अचार। दाल चावल के साथ है ना आम का अचार बहुत अच्छा लगता है, लाइक कोई भी अचार दाल चावल के साथ अच्छा लगता है। थोड़ा सा दही भी है यहाँ पर। और ये अचार है मामा के यहाँ, इसमें लड्डू भी है और वो भी है मिर्चियाँ, उनको पसंद है। हाँ मम्मी को बहुत पसंद है। हम लोग मम्मी पापा के घर से निकले तो एकदम बूंदाबांदी शुरू हो गई। हम लोग तो वैसे कार में गए थे लेकिन आते आते मतलब इतना कम डिस्टेंस है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है यार। अभी मेरा तो मन कर रहा था कि हम लोग थोड़ा और मतलब लंबा कहीं घूम के आएँ, बारिश में घूमने का अलग ही मज़ा आता है, बट देन नहीं गए हम लोग, जल्दी से घर आ गए हैं। और बस अभी हम लोग सोने वोने की तैयारी करेंगे और ये वही वाला सूट है जो मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से, और मम्मी कह रही थी कि अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया सा इसका प्रिंट लग रहा है। और आज मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म धोई थी, एक्चुअली उनकी यूनिफॉर्म है ना, एक तो कपड़ा उसका डेनिम है,
दूसरा उनका जो स्कर्ट है ना, मतलब उनकी यूनिफॉर्म में जो स्कर्ट है वो डेनिम की बनी हुई है एंड वो भी स्कॉट स्टाइल होता है ना, यानी कि अंदर शॉर्ट्स होते हैं एंड देन एक लेयर जैसी होती है, स्कर्ट जैसा बनाने की कोशिश की जाती है, तो डेनिम वो भी इस तरह डबल डबल हो जाता है ना, तो इतना वक्त लगता है उसे सूखने में। तो मैंने दोपहर में डाले थे वो कपड़े स्कूल से आ जाने के बाद और सुपर ड्राई कर रही हूँ मैं उसे, अभी उसे सुखा कर ही मैं सोऊंगी। और बस इसी के साथ आ गए मैं इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा तो सब्सक्राइब कर लो यार, इट मोटिवेट्स मी। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल बी वेटिंग टू सी यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।